हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमित राणा यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE का लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ, जो कि है समोआ जो के बारे में। गाइस, WWE की वेलनेस पॉलिसी को वायलेट करने की वजह से समोआ जो को WWE से 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस खबर को रैसल वोट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए बताया है। गाइस, WWE वेलनेस पॉलिसी को काफी गंभीरता से ले रही है और ये नहीं कि सिर्फ समोआ जो के साथ ही यह हुआ है, इससे पहले भी कई रेसलर के साथ ऐसा हो चुका है, जैसे कि WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एंड्राडे, जो कि पिछले हफ्ते WWE वेलनेस पॉलिसी को वायलेट करने की वजह से 30 दिनों के लिए सस्पेंड किए जा चुके हैं। गाइस, इससे पहले रॉबर्ट रूड के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो भी 30 दिनों के लिए सस्पेंड हुए थे, लेकिन अब वो WWE के रिंग में वापस आ चुके हैं। तो अब देखना होगा कि समोआ जो और एंड्राडे WWE के रिंग में कब वापस आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की, जो कि WWE के दो नए सुपरस्टार्स के बारे में। गाइस, WWE ऑन फॉक्स बैकस्टेज शो के दौरान रैन सेटिन ने भी हाल ही में ये अनाउंस कर दिया कि WWE ने दो नए सुपरस्टार साइन कर लिए हैं, जिनके नाम है किलर क्रॉस और टमोटी टैचर। गाइस, किलर क्रॉस जो कि एक हॉटेस्ट फ्री एजेंट बन चुके हैं और इंपैक्ट रेसलिंग छोड़ने के बाद सबकी नज़रें उन पर थी कि WWE या AEW वो किस रेसलिंग में जाने वाले हैं, लेकिन अभी हाल ही में रैन सेटिन के साथ साथ WWE ने भी अपनी वेबसाइट पर यह कन्फर्म कर दिया है। और अगर बात करें टमोटी टैचर की, तो वो एक टॉप इंडी रेसलिंग टैलेंट है, जिन्होंने इवॉल्व, रेवोल्यूशन प्रो, WXW इन जैसे प्रमोशंस में भी नाम कमाया है। और गाइस, खबर ये भी आ रही कि टमोटी टैचर WWE NXT में अपना डेब्यू कर सकते हैं। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अगली और आज की आखिरी खबर की, जो कि बिल गोल्डबर्ग के बारे में। गाइस, कल के रॉ के एपिसोड के दौरान WWE ने ये अनाउंसमेंट की थी कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में बिल गोल्डबर्ग भी नजर आने वाले हैं, लेकिन उनके सेगमेंट और ओपोनेंट इसके बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं है। और अगर बात करें रूमर्स की, तो WWE गोल्डबर्ग और किंग कॉर्बिन का मैच 27 फरवरी को सऊदी अरब में होने वाले पेपर व्यू इवेंट WWE सुपर शोडाउन में बुक करने का प्लान बना रही है। गाइस, इससे पहले ये भी खबर आ रही थी कि गोल्डबर्ग और रोमन रेंस के बीच सऊदी अरब में मैच हो सकता है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि रोमन रेंस ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो रेसलमेनिया 36 में द फीन ब्रे वाइट के खिलाफ WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल के लिए लड़ सकते हैं। तो गाइस, अब देखना होगा कि गोल्डबर्ग स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या अनाउंसमेंट करते हैं। हो सकता है कि सुपर शोडाउन में हमें एक टैग टीम मैच भी देखने को मिले, जहां गोल्डबर्ग और रोमन रेंस फेस करते दिखे किंग कॉर्बिन और डॉल्फ जिगलर को। तो गाइस, आज की वीडियो में सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।